स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल UDS कंपैरिजन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन सिनेमा के सुपरहिट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की सभी फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले कुछ उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फुल नेम राजकुमार हिरानी, डेट ऑफ बर्थ राजकुमार हिरानी की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1962। बर्थ प्लेस राजकुमार हिरानी का बर्थ प्लेस है नागपुर महाराष्ट्र। प्रोफेशन राजकुमार हिरानी का प्रोफेशन है डायरेक्टर राइटर एडिटर एंड प्रोड्यूसर। नंबर ऑफ मूवीज राजकुमार हिरानी ने अभी तक 5 मूवीज डायरेक्ट करी है। दोस्तों राजकुमार हिरानी की पहली मूवी थी मुन्ना भाई MBBS। यह मूवी 19 दिसंबर 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमको संजय दत्त, अरशद वारसी, बोमन ईरानी, ग्रेसी सिंह, जिम्मी शेरगिल, सुनील दत्त देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 25 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही थी। नंबर 2 पर मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई। यह मूवी 1 सितंबर 2006 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस मूवी में हमको संजय दत्त, अरशद वारसी, विद्या बालन, बोमन ईरानी, दिया मिर्जा और दिलीप प्रभावलकर देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 19 करोड़ रुपए। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है पूरे 74 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। नंबर 3 पर मूवी आती है 3 Idiots। यह मूवी 24 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमको आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन, शमन जोशी, बोमन ईरानी और ओमी वैद्य लीड रोल में देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 55 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई की थी पूरे 200 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। नंबर 4 पर मूवी आई थी PK। दोस्तों यह मूवी 19 दिसंबर 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमको आमिर खान, अनुष्का शर्मा, बोमन ईरानी, सुशांत सिंह राजपूत, सौरभ शुक्ला और संजय दत्त देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 85 करोड़ रुपए। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है पूरे 337 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित रही थी। नंबर 5 पर मूवी आती है संजू। यह मूवी 29 जून 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमको रणवीर कपूर, परेश रावल, सोनम कपूर, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा देखने को मिले थे। इस मूवी का बजट था 96 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी पूरे 334 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर रही थी।